me, new service. सर आपने आज फिर से एनसी ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है ये घर वापसी है? ये देखिए, मैंने एनसी ज्वाइन किया इस मकसद के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का भला होना है, तरक्की में, खुशहाली में, अमन अमान में, इसलिए मैंने इनके साथ हाथ जोड़ दिया। मुझे लगता है यही एक जमात है जो हमें इस दफ्तर से निकाल सकता है। लेकिन पीडीपी के दौर में जब आपने पीडीपी ज्वाइन किया तब भी आप, शायद मुझे याद है, आपने यही कहा था, आपको नहीं लगता है कि जब भी कोई मतलब पुट डाउन किसी तंजीम या पार्टी का होता है तो पॉलिटिशियन जो है वो बदलते रहते हैं, ऐसे क्यों होता है? पॉलिटिशियन बदलते नहीं रहते, पॉलिटिशियन तब बदलाव लाते हैं जिस जमात में हम थे, वहाँ भी मैंने कोशिश की लोगों की भलाई के लिए, लोगों की खरकाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अमन के लिए, मगर मुझे लगता है इस मोड़ पर जिस वक्त हम इस वक्त खड़ा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर हमें इस दम्पति से निकाल सकते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अभी आपको ये किश्ती थामनी थी क्योंकि ये तो डूबने जा रही है, लेकिन पीडीपी आपने क्यों इसका हाथ अभी छोड़ा? आपको नहीं लगता था आपको थामना चाहिए था इस चीज़ को, पीडीपी को? वहाँ तो जो जिन्होंने वहाँ इजारादारी का दो तीन आदमी हुए जिसको हैजे किया था इस तंजीम को, वो बगैर आवाम की खैर खाई के उनको ज़ाती मकासिब थे, इसलिए हमने इससे रहा जो तो क्या वजूहत एक्चुअली रहे आपने? नहीं, मैंने बताया पहले ये, मैं आप ये नहीं मुझे है मैं किसी की मुखालफत करूँ, वो मेरी मुखालफत करेंगे, मैं उनकी मुखालफत करूँ, अब हमें जुटना चाहिए किस तरह हम रियासत जम्मू कश्मीर का भला कर सकते हैं।